विश्व शांति दिवस पर हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद हुसैन पटेल साहब। भाई हम इनसे बात करते हैं कि आज ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप। आज हम इस जगह पर विश्व शांति दिवस मना रहे हैं। विश्व शांति मनाने का मकसद ये है कि हमारा जो देश है विश्व शांति का दूत है भारत, सूफी संतों का देश है भारत, पड़ोसी देश आए साथ हमारे, शांति फैलाए साथ हमारे, दुनिया को चाहिए शांति, भारत का संदेश विश्व शांति। आज हम इस जगह से पूरे विश्व के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप तमाम लोग शांति के लिए प्रयास करें, क्योंकि शांति के बिना दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। अगर शांति है तो सब कुछ है, शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम एक चीज़ और ये बताना चाहते हैं कि ये है दिल का इरादा, रुके हिंसा, तबाही और खून खराबा, हर तरफ फैले भाईचारा और शांति। ये संदेश को आम करने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखे हैं और हम आपके चैनल का आमना सामना का जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवर करके हमारे इस शांति के पैगाम को, संदेश को आम करने के लिए आपने हमारा साथ दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोस्त मंजीत जी आए हैं, शांति के ऊपर, विश्व शांति के बारे में। जैसे सारी कास्ट है वैसे ही सिख धर्म भी है, वो भी यही प्रचार करता है, मानवता का, संस्कारों का, प्यार मोहब्बत से रहिए, सब मिलके रहिए। जैसे इन्होंने भी बोला मैसेजेस अवॉइड कीजिए, रूमर्स अवॉइड कीजिए। व्हाट्सएप ने भी और कम कर दिया है कि बहुत ही सारे रूमर्स फैल रहे दिन भर दिन, सारी चीज़ों को अवॉइड करके शांति पूरा बनाइए, हिंदुस्तान भारत को और सक्सेसफुल बनाइए डे बाय डे। बस शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इस संस्था का मुख्य लक्ष्य ही है स्व की शांति से विश्व की शांति तक पहुंचना, क्योंकि कहा जाता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब मेरे स्वयं के अंदर भी शांति की अनुभूति होगी तो ज़रूर मैं विश्व में शांति लाने के लिए कोई संकल्प कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मेरे मन में ही अशांति है, मेरे मन में ही नफरत भाव है, मेरे मन में ही वैर की भाव है, तो विश्व शांति के लिए कोई संकल्प आ ही नहीं सकता। और जैसे कहा जाता है कि शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वधर्म है, बाकी सब धर्म तो इस देह के धर्म है। तो जब शांति को मैंने महसूस किया, स्वयं के अंदर अनुभव किया, मुझे उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। पिता जो शांति का सागर है, मेरा अगर उनके साथ का कनेक्शन नहीं तो मैं शांति की अनुभूति सदा नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप सभी के लिए मैं तो कहूँगी स्वयं से ये संकल्प करें कि मैं शांति हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है। क्योंकि शांति का कोई पर्याय नहीं होता, शांति के लिए कोई ऑप्शंस नहीं होते, शांति मेरा स्वभाव है। इसे जब हम बार बार संकल्प करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ शांति की मन में अनुभूति निश्चिंत तरह से होगी। ओम शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष मुश्ताक जागीरदार साहब, मुश्ताक जागीरदार साहब, इसी विश्व शांति के मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आज सभी समाज के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर, मजहब के लोग यहाँ पर आए, बहुत खुशी हुई। अंधेरी पश्चिम में आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है इंटरनेशनल पीस डे, विश्व शांति दिवस, आज उसी दिवस के नाम पे आज हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो गए। मुंबई कॉमर्स ह्यूमन राइट्स सेल की टीम और ऑर्गेनाइजर मोहम्मद पटेल साहब यहाँ के समाज सेवक हैं, सोशल वर्कर हैं, और मेन मकसद तो यही है कि आज देश में जो हालात है बहुत ख़राब है, उसको रोकने के लिए हम दिन तो मना रहे लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वक्त हक के लड़ाई लड़ने के लिए और अमन और शांति की लड़ाई लड़ने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ेगा। आप बैठे रहेंगे तो इस तरह से लड़ाई और दिवस नहीं मना सकते।
हमको निकलना पड़ेगा और सही में जुल्म अत्याचार जहाँ भी हो रहा है, जहाँ पे भी जो बमबारी हो रही है उसको रोकने का काम करना पड़ेगा, जहाँ खून और हत्या हो रही है उसको रोकने का काम करना पड़ेगा, जहाँ हक और सच की बात है वहाँ बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप ये मानवता दिवस मनाने का कोई हक नहीं, हमें बोलने का ये जो दिवस दिया गया इसको बोलना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा। मीडिया के लिए आप तक धन्यवाद। जैसा कि मोहम्मद भाई ने बोले बहुत ही अच्छी बात बोले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहेंगे। जैसा कि मैं अभी बहुत ज्ञान हूँ, 26 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने आजमाया कि हमारा जो दुश्मन बना है वो है सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया। इनमें जो जातियों को देखिए जो मैसेजेस आते हैं ये लोगों को भड़काने के लिए मैसेजेस आ रहा था। हमें बहुत ही सतर्क से काम लेना है, ऐसे मैसेजेस को अवॉइड करना है। ये मैसेजेस की वजह से जो झगड़े हो रहे हैं मुझे लगता है ये सब चीज़ है और हमें इससे बहुत बचना है। हमें हिंदुस्तान में एकता रखना है और इन बेकार चीज़ों को दखल नहीं देना। हमारे साथ मौजूद है सायरा पटेल जी जो किचन वर्कर या अच्छा काम करती है। सायरा जी बताइए आपके क्या पैगाम है? आज विश्व शांति दिवस पर जो है पूरी दुनिया में आज कोहराम मचा हुआ है। आज इंसानियत के नाम पे हम इंसान जो है जानवर जब अल्लाह ने हमको बनाया, जब पूरी दुनिया का आयत बनाई हमको अशरफ मखलूकात बनाया और सारी दुनिया की अकल हमारे पास रखी और जानवरों को सिर्फ जानवर इसीलिए बनाया था कि वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं, आज हम लड़ रहे हैं और जानवर शांत हैं। तो इसीलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। हर इंसान अपने मतलब के लिए अपने ही लोग अपने ही आपस के लोगों को लोन पसंद करके सबसे आगे जाने की रंग में और एक दूसरे को रोनता हुआ कुचलता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और यही संदेश को जाना चाहते हैं कि भाई हम सब आपस में मिलकर प्यार और भाईचारे से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सायरे जी। हमारे साथ मौजूद है मानव अधिकार सेल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट गुरुज खान साहब। गुरुज खान साहब आपका क्या कहना? जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज देखिए जो विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने अंदर अपने हृदय में देखना पड़ेगा, अपने अंदर के शैतान को मारना पड़ेगा। अगर हम शैतान को मारेंगे तो ऑटोमेटिक हम शांतिपूर्वक हो जाएंगे। हम शांति के लिए दरगाहों पे जाते, मस्जिदों में जाते, मंदिरों में जाते, लेकिन हम कभी अपने अंदर नहीं झाँक कर देखते कि शांति जो कहाँ से ख़राब हो रही है, हमारी शांति कहाँ से भंग हो रही है। हम चाहते हैं कि हर एक मनुष्य हर एक इंसान अपने अंदर झांक के देखे, अपने अंदर से शैतान अगर निकालेगा तो खुद बखुद शांति पूरे विश्व में फैल जाएगी। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गुरुज खान साहब। ये दुनिया जो बनी सबसे पहले आदम और हव्वा को जमीन पर उतारा गया। आदम और हव्वा दोनों इंसान थे और वहीं से इंसानों की आबादी बढ़ना शुरू हुई और जब दो इंसान जिनसे दुनिया बनी अगर इस नजरिए से हम सोचे तो दुनिया का हर इंसान आपस में भाई भाई, कोई इंसान अलग नहीं है, दुनिया के सारे इंसान भाई भाई हैं। लेकिन दुनिया की तरक्की के साथ साथ कौमें वजूद में आती रही, उसी के साथ धर्म गुरु आते रहे, पैगंबर आते रहे और सभी ने अपने अपने धर्म के हिसाब से रिलीजन के हिसाब से इंसानियत को सबक देने का काम किया और सबने इंसानियत सिखाई। लेकिन आज से 1400 बरस पहले हम ये यकीन और दावे और एतमाद और ईमान के साथ कह सकते हैं कि 1400 बरस कबल जब तक हमारे आखिरी नबी सरकार कायम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले इस दुनिया में कत्लोगारत गिरी, औरतों को पेट में मारा जाना, बच्चों को मार देना,
ये सिलसिला जारी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले शांति और अमन का पैगाम दिया और इंसानियत का दर्द दिया कि आप भाई भाई को मत मारो, आप भाई भाई आपस में, आप औरतों को मत मारो, उनको भी जिंदा रहने का हक है, उनको भी जिंदगी गुजारने का हक है, नहीं तो औरतों को पैदा होने से पहले पेट में मार दिया जाता था। ये सबक सिखाया इस्लाम ने, ये सिखाया हमारे मजहब ने, लेकिन आज हमारे ही मजहब को कहा जाता है कि इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, आज इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द हो गए, इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द हो गए। अगर इस्लाम दहशतगर्दी का दर्श दे देता, ना इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, इस्लाम के मानने वालों को दहशतगर्द बनाने वाले को पोशीदा आसाम और जगह जगह दुनिया में आज इस्लाम के मानने वाले को सुलझाने वाले को मासूम बच्चों का भी इस पर अदारा बहुत दुनिया में पंचिंग हो रही है, मासूम बच्चों को भी बच्चा जा रहा है, औरतों को बच्चा जा रहा है। आपके उस शांतिपूर्वक काम को दहशत कर बनाने का काम कर रहे हैं आप, लेकिन आज पांच ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट है, जो लॉयर है, ये सब लॉयर है, एक्टिविस्ट है, कोई सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स के जिम्मेदार है, कोई मुंबई की अलग अलग जगहों के, वो बताना चाहूंगा आप लोगों को, आज इन पर दहशतगर्दी का लेबल लगा के, आतंकवाद का लेबल लगा के जेल में डाल दिया गया है, बड़ी शर्म की बात है। हम इस शांति दिवस के अवसर पर इस सरकार को और विश्व के सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि विकास जो है वो शांति से होगा, आपके सर्वनाश से दुनिया का विकास होने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क हो, सबको आखिर में शांति को मानना पड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, ईरान हो, दौरान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क, शांति के साथ चलोगे तो इस दुनिया में इंसानियत जिंदा रहेगी, अगर शांति बाकी नहीं रही तो इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी, इससे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज इसी को बचाने के लिए हम आप सब यहाँ जमा हुए हैं, ये संदेश दूर तक जाना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद। दहर न घोलो ऐ जमाने वालों, और मजहब की न लो यतीम करने वालों, खून जब जमीन पे गिरता है तो जम जाता है, तुमको जीना है तो नफरत का करीना छोड़ो, खून में जहर न घोलो ऐ जमाने वालों, और मजहब की न लो दंगे फसाद करने वालों, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, ग्रंथ हो, दुश्मनी कोई नहीं सिखाता इंसानों को, ये छूत अछूत ताशुब की लानत क्यों है, हर ब्राह्मण को हरिजन से नफरत क्यों है, इस पुतालों में ऐसा भी किया जाता है कि खून हरिजन का ब्राह्मण को दिया जाता है, जिंदगी खून है, जिंदगी खून है, तन तोड़ गए इंसान के लिए, कौन जाने कब आए हिंदू का लहू मुसलमान के लिए, मुल्क बांटोगे, जमी बांटोगे, धन बांटोगे, आसमां बांटोगे, हद से बढ़ जाओगे तो क्या बांटोगे, मुर्दों के कफन बांटोगे। धन्यवाद, धन्यवाद मोहम्मद भाई को कामयाबी की, धन्यवाद। हेलो, मोहम्मद पटेल ने शांति प्रोग्राम रहा है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सब भाई लोग साइन करके जाएंगे, सबको धन्यवाद देता हूं मैं, सब भाइयों को।